सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा गोकू को ग्रैंड प्रिंस पर थोड़ा शक हो जाता है और जब वेजिटा गोकू को इविल विश के बारे में बताता है तब दोनों ही निकल पड़ते हैं इविल विश का पर्दाफाश करने के लिए। और वहां पर गोकू और वेजिटा को पता चलता है कि इविल ग्रैंड प्रिंस ही है उसका रियल बॉस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ड्रिप गोकू से और वो कहता है, अंधेरा तब तक ही जिंदा रहता है जब तक कि उसका उजाले से पाला नहीं पड़ता, इसलिए गुड बाय बाय इविल फ्रेंड। और अब गोकू इविल विश को वहीं पर इरेज कर देता है। अब वीर सस्ता है और कहता है, ये तो बहुत ही कमजोर निकला, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही पावरफुल होगा, चलो अब सब ठीक हो गया है। तभी गोकू कहता है, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है लॉर्ड बीरस। वेजिटा कहता है, कैकरोट, हम डायरेक्ट इविल प्रिंस से लड़ेंगे या फिर कोई प्लान बनाएंगे। गोकू कहता है, वेजिटा उस प्रिंस के पास जैनोसामा है, इसलिए हमें जल्दी करनी चाहिए। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम चलो, मैं थोड़ी तैयारी के साथ आता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। अब सीन जाता है इविल जैनो पर और वो कहता है, डाई, मुझे पता चला है कि गोकू यहाँ पर आने वाला है। इविल प्रिंस हंसता है, आने दो उसे, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी ओरिजिनल जैनो बोलता है, आज मैंने पहला शख्स देखा है जो अपनी मौत का वेट कर रहा है। इविल प्रिंस पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो। ओरिजिनल जैनो गुस्से में कहता है, वो जब यहाँ पर आएगा तब तुम्हारी मौत डेफिनेटली होकर ही रहेगी। अब इविल प्रिंस गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो वरना एक मौत यहीं पर अभी हो जाएगी। तभी इविल जैनो कहता है, हमने तुम्हारे गार्ड्स को मार ही दिया, अब तुम्हें मारना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इविल प्रिंस हंसते हुए कहता है, तुम्हारे गोकू को आज मैं तुम्हारे ही सामने खत्म करूंगा। इविल जैनो कहता है, मैं भी इस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो मरेगा और कब ये मल्टीवर्स हमारा होगा। और तभी गोकू वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, ये सपना तुम लोगों का कभी भी पूरा नहीं होगा। अब ओरिजिनल जैनो स्माइल करता है और कहता है, गोकू मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तभी इविल जैनो बोलता है, ओ, तो आ गया है मल्टीवर्स का रखवाला, लेकिन आज होगा इसका मुंह काला। तभी गोकू कहता है, तुम लोग लगता है कि सुधरोगे नहीं, अब मैं तुम्हें सुधारूंगा। तभी इविल प्रिंस कहता है, तुम यहाँ क्या लेने आए हो गोकू। गोकू कहता है, अब इतने भी भोले मत बनो ग्रैंड मिनिस्टर। ओ सॉरी, तुम तो कॉपी ग्रैंड मिनिस्टर हो। ये बात सुनकर इविल प्रिंस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, लगता है कि तुम यहाँ पर लड़ने आए हो। गोकू गुस्से में कहता है, हाँ लेकिन इस लड़ाई से तुम्हारा सफाया होकर रहेगा। इविल प्रिंस कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर पाओगे। गोकू ये बात सुनकर स्माइल कर देता है और कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकते हो। ओरिजिनल जैनो कहता है, गोकू मुझे साफ पता चल रहा है कि ये अंदर से बहुत ही डरा हुआ है। इविल प्रिंस कहता है, ठीक है तो दो दो हाथ कर ही लेते हैं, मगर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। गोकू बोलता है, नहीं पहले तुम बताओ कि गॉड्स और एंजल को तुमने कौन सी टाइमलाइन में छुपाया है। इविल प्रिंस हंसता है, तुम्हारे थॉट्स और मेरे थॉट्स आपस में मिलते हैं, मैं भी तुम्हें वही दिखाना चाहता था। गोकू कहता है, ठीक है दिखाओ वो लोग कहाँ हैं। अब इविल प्रिंस अपने स्टाफ से मैजिक करता है और गोकू को पैरेलल टाइमलाइन का मल्टीवर्स नजर आता है। इविल प्रिंस बोलता है, ये रहा तुम्हारा जवाब, तुम्हारे सभी लोग इसी मल्टीवर्स में है। गोकू बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और कहता है, उन्हें यहाँ वापिस लाओ। इविल प्रिंस कहता है, क्या कहा, वापिस लाऊं, मगर ये लोग तो मर चुके हैं। गोकू गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। इविल प्रिंस कहता है, हाँ यकीन नहीं आता,
तो खुद देख लो। और फिर हम देखते हैं कि उस पूरे मल्टीवर्स में जोरदार धमाका होता है और वो मल्टीवर्स गोकू की नजरों के सामने से गायब हो जाता है। ये देखकर तो गोकू शॉक्ड हो जाता है। इविल प्रिस्ट कहता है, मुझे माफ करना गोकू, ये सब तो होने ही वाला था क्योंकि तुमने फ्यूचर देखा था। गोकू कहता है, मगर फ्यूचर में तो जैनोसामा ने मल्टीवर्स खत्म किया था। इस पर इविल प्रिस्ट को बहुत ही हंसी आती है और वो कहता है, हाँ क्योंकि तुमने वो सब देखा जो मैंने तुम्हें दिखाया। गोकू गुस्से में पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? इविल प्रिस्ट बोलता है, वो फ्यूचर तो सही था मगर मैंने उसमें थोड़ी सी हेर फेर कर दी थी और अब इन बातों में कुछ भी नहीं रखा है। वो तो बेचारे मरने ही वाले थे तो मर गए। अब गोकू गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी अल्ट्रॉन स्टिंग में चेंज हो जाता है। तभी ईविल जेनो बोलता है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है गोकू, हमसे हाथ मिला लो, बदले में तुम्हें मल्टीवर्स में राज करने को मिलेगा। गोकू कहता है, ऐसी गद्दी जिसमें मासूमों का खून लगा हो वो मुझे कभी भी नहीं चाहिए। और अब गोकू इविल प्रिस्ट के पंच मारने के लिए जाता है मगर तभी इविल प्रिस्ट अपने एक हाथ से ही गोकू को वहीं पर रोक देता है। गोकू आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे गोकू, मेरा मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर पाएगा। गोकू अब अपने अल्ट्रॉन स्टिंग का लेवल अप करता है और वो MUI में चेंज हो जाता है। इविल प्रिस्ट को गोकू से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो बोलता है, ये सब एंजल टेक्निक है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गोकू कहता है, तो फिर ठीक है, अब तुम्हें मैं असली पावर दिखाई देता हूँ। और अब गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करता है। तभी गोकू के पीठ पर एक जोरदार अटैक हो जाता है जिससे उसे बहुत ही ज्यादा पेन होता है, वो दर्द से चिल्लाता है। इविल प्रिस्ट बोलता है, तुम्हारे अंदर हम एंजल्स की पावर है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी बॉडी का एक्सेस भी हमारे पास ही होगा। अब गेम मजेदार हो गया है गोकू, है ना? गोकू जख्मी हालत में कहता है, तुम अभी खुश हो लो लेकिन बाद में तुम्हें बहुत ही दर्द होने वाला है। इविल प्रिस्ट कहता है, नो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे लोग भी अब खत्म हो चुके हैं। अगर तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश भी की तो तुम्हें उन सभी की डेस्टिनेशन कभी नहीं मिलेगी जिस वजह से तुम कभी भी उन्हें वापस नहीं ला पाओगे। गोकू अब मन में सोचने लगता है और कहता है, ये मुझे ड्रिप फॉर्म में चेंज नहीं होने दे रहा है, इसे मेरे बारे में सब पता है लेकिन मुझे भी अपना दिमाग तो लगाना ही होगा। इविल जेनो कहता है, सोच लो चाहे जितना सोचना है मगर तुम्हारी किस्मत में बर्बादी ही लिखी है। मगर तुम चिंता मत करो, अगर तुम हमें वो जैकेट दे देते हो तो हम तुम्हारे दोस्तों को भी वापस रिवाइव कर देंगे और तुम्हें भी जाने देंगे। इविल प्रिस्ट कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा, ये तो तुम्हारे लिए काफी फायदेमंद सौदा है। ओरिजिनल जेनो कहता है, नहीं गोकू, इसकी बात मत सुनो, इन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। गोकू कहता है, बट हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है जेनोसामा, इसलिए हमें ये करना ही होगा। ओरिजिनल जेनो कहता है, बट गोकू ये लोग बहुत ही बुरे हैं। गोकू कहता है, आप शांत रहिए, बस मैं किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब गोकू अपनी जैकेट को बाहर निकालने लगता है। इविल प्रिस्ट कहता है, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा गोकू, है ना? गोकू कहता है, हाँ मगर कोई बात नहीं, अपने लोगों को मैं अपनी जैकेट देकर बचा सकता हूँ तो ये मुझे मंजूर है। और अब गोकू अपनी ड्रिप जैकेट को निकाल देता है और कहता है, चलो इविल प्रिस्ट अब इस जैकेट को रखो और मेरे लोगों को वापस लेकर आओ। ये देखकर इविल प्रिस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, लाओ पहले वो जैकेट को मुझे दे दो फिर मैं तुम्हारा काम करता हूँ। अब वो जैकेट गोकू के हाथ से गायब हो जाती है और वो इविल प्रिस्ट के हाथ में आ जाती है। इविल जेनो कहता है, वाह
गुगू, आज तुमने बहुत ही बड़ा सेक्रीफाइस किया है, मान गए तुम्हारी अच्छाई को। इसके बाद इविल प्रिस्ट उस जैकेट को गायब कर देता है और वो कहता है, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे लोगों को वापस ले आऊं, मगर मैं ऐसा ना करूं तो क्या होगा गोकू?